वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ बीकॉम फाइनल ईयर के, और सब्जेक्ट है आपका ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो आप पेपर देख रहे हो नीचे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज। और आपको बता दूँ ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो अगर दूसरी यूनिवर्सिटी है तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर यूजफुल हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, बीकॉम फाइनल ईयर में जो ऑडिटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर थर्ड है आपकी ऑडिटिंग से रिलेटेड, और यूनिट नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर फिफ्थ है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूँ ऑडिटिंग में मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में ओनली थ्योरीज आती है, प्रैक्टिकल नहीं आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है आपका यूनिट नंबर फोर और यूनिट नंबर फाइव, जिसमें आपका एक प्रैक्टिकल आता है और एक थ्योरी आती है, उसके बेसिस में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। और अभी मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ, ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये पिछले 5-6 सालों के बेसिस के ऊपर है, मतलब जो लास्ट ईयर जितने भी पेपर्स हुए हैं बीकॉम फाइनल ईयर में उनके बेसिस पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो हर साल लगभग रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन है ये। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब देख लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको लगभग ज़्यादातर ये तो पूछा ही जाता है कि ऑडिटिंग क्या होती है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स बताइए, टेक्निक्स बताइए, प्रोसीजर क्या होता है, इनमें से कोई एक पूछ लेगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। सेकंड और में ऑडिटिंग प्रोग्राम क्या होता है ये आपको समझाना था, ये भी आपको करना है। ये आपके देखो ये दो यूनिट है, इन दो यूनिट में से आपको एक करना होता है क्वेश्चन में, बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो बता रही हूँ उसमें क्या करना है, आपको दोनों के दोनों करना है, क्योंकि आपको इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा जिससे आपका क्वेश्चन वहाँ हो जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर सेकेंड की बात की जाए तो यूनिट नंबर सेकेंड में आपको रिमूवल ऑफ कंपनी ऑडिटर का लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल भी मत करना। ये और वाला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ कंपनी ऑडिटर, रेमुनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, इसको बिल्कुल भी रिमूव मत करना, इसको याद करके ही जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन देख ही सकती हूँ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, व्हाट आर द ड्यूटीज, क्या होती है ऑडिटर की विद रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि इनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, पहले उन्हें करना, उनके बाद बाकी कि जो बच जाए उन्हें करना है। ठीक है, समझ में आ गया। यूनिट नंबर थर्ड की बात की जाए तो यूनिट नंबर थर्ड में जो ये सेक्शन वाला है ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सबको आपको करके जाना ही है। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड आपको क्लियर हो गया होगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब यूनिट नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर फिफ्थ में मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ही कन्फर्म। तो सबसे पहले मैनेजमेंट करना क्योंकि ये सिंपल होती है, और ऑडिटिंग क्या है आपकी थ्योरी है, इसमें लेंथी चैप्टर्स है, बहुत आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप यूनिट नंबर फोर्थ यूनिट नंबर फिफ्थ पहले करिए, बाद में यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड करना। ठीक है, अब यूनिट नंबर फोर्थ की बात की जाए तो यूनिट नंबर फोर्थ में एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से एक थ्योरी पूछा जाता है, इसमें आपको नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप या फंक्शंस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और में आपको है ना कैपिटल स्ट्रक्चर से एक प्रैक्टिकल आता ही है, या तो इससे आ जाएगा या लिवरेज से आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑल इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ऑल इलस्ट्रेशंस करने हैं। लिवरेज में आप एक बार है ना इलस्ट्रेशन नंबर 13 जरूर देख के जाइए, अगर आपने चैप्टर नहीं भी निकाला है ना फिर भी आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करना, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रिपीट होता रहता है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना, 13 वाले को आप ज़रूर करके जाना। ठीक है, अब यूनिट नंबर फिफ्थ में आपको बता दूँ कि रेशो से एक क्वेश्चन आएगा ही, 100%, 200%, 500% जो भी आप समझो क्वेश्चन आएगा ही रेशो से, और रेशो से भी कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आप मैं बता सकती हूँ, जितने भी इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको पूछा गया है कि बैलेंस शीट बनाओ, समझ रहे हो कौन सी, बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है,
जहां भी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल देगा, ये समझ जाओ कि आपको वही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा 20 मार्क्स का आता है, तो 20 मार्क्स में आपको बैलेंस शीट भी पूछा जाएगी, आप बैलेंस शीट भी बनाओ, रेशियो निकालो पहले, रेशियो निकालने के बाद अब फिर उसकी बैलेंस शीट बनाओ, या आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, 45 to 58 इलस्ट्रेशन कर लेना रेशियो में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो का, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है 55, इसे बिल्कुल स्किप मत करना, एक तो इसके मत करना, एक इसे स्किप मत करना कैपिटल स्ट्रक्चर में, एक रेशियो का स्किप मत करना, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैनेजमेंट में आपको मैं कन्फर्म बता सकती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैं ऑडिटिंग का कन्फर्म नहीं बता सकती, ऑडिटिंग के बाद प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो मैनेजमेंट में आपको ये वाले सारे क्वेश्चंस करने ही है, और जो इम्पोर्टेंट बताया उसे तो 5-5 बार कर लीजिए, इसमें से आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ ऑडिटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको इलस्ट्रेशंस आपको घोल के पी जाना है, इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन पूछता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, या फाइनल ईयर हो, या बीबीए हो, कोई भी हो, इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन बनता है, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उसमें से ही क्वेश्चन आता ही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, और मैंने एडवांस अकाउंटिंग के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।